बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में आलू के चपली कबाब की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि आलू के चपली कबाब बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर हैं। मैंने आधा किलो आलू लेकर उसको कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद मैंने इसको चिल्ड वाटर में या बर्फ वाला जो ठंडा पानी होता है उसमें मैंने इसको छोड़ दिया है 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से पानी को खुश करके एक बाउल में डाल लेंगे। सुर्ख मिर्च मैंने ली है 1 चम्मच, नमक हसबे जरूरत मैंने आधा चम्मच, सूखा धनिया साबत हमने लेना है 1 चम्मच, एक छोटी प्याज को हमने चॉप कर लिया जिस तरह ऑमलेट में डालते हैं, 1 चम्मच साबत अनारदाना आपने लेना है, 1 साबत टमाटर लेना है जिसको हम लास्ट पर कट करके स्लाइस चपली कबाब पर लगाकर फ्राई करेंगे, 1 चम्मच जो है हमने जीरा लिया है ये भी साबत, 3 हरी मिर्चें मैंने लेकर इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया, और लास्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो मैदा है। मैदा मैंने 1 बाउल लिया है। तो चलिए अब चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने 1 बाउल ले लिया है, ये आप देख सकते हैं खाली बाउल ले लिया, और एक मैंने बड़ी पोनी या छन्नी हम इसको बोलते हैं, इसके ऊपर हम इसके रख देंगे, और अब आलू जो है मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे से निकल जाए। इसके बाद मजीद हम हाथों की मदद से भी इसको करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने ठंडे पानी में भिगोया था वो इसीलिए भिगोया था ताकि जो इसका क्रिस्पन है वो बहुत अच्छा से आए, ये फिर बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसको हाथ से प्रेस कर लूंगी, आपने अच्छे से इसको दबा दबा के निकालना है, और कुछ देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे। अब मैं ये बाउल साइड पे कर दूंगी, दूसरा बाउल ले लूंगी यही वाला, और इसके ऊपर रख दूंगी ताकि जो पानी है वो मजीद इसमें से अपने आप निकल आए। तो अब मैं इस तरह इसको थोड़ी देर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ताकि पानी अपने आप अच्छे से निकल आए, और लास्ट पर फिर हम अपने हाथों से इसको प्रेस करेंगे और जो बचा हुआ पानी वो भी निकाल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था, अब इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो गया। अब मैं लूंगी एक और बाउल जो खुश्क वाला होगा, और उसके अंदर हम ये आलू सारे इसके अंदर डाल देंगे। अब मैंने ये बाउल में आलू डाल लिए हैं, आलू डालने के बाद हम इसके अंदर सारे स्पाइस जो है अपने ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं जीरा डाल रही हूं, साबत धनिया, नमक, अनारदाना, प्याज, सुर्ख मिर्च पाउडर, और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। चलिए अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जो हमने 1 बाउल मैदा लिया था वो इसके अंदर शामिल करते हैं। मैदा जो है वो हमने आलुओं की मुनासिबत से डालना है, इस बात का भी हमने ख्याल रखना है। थोड़ा सा और डालेंगे, अच्छा जी ये देखें अब ये बिल्कुल एक जैसा हो गया। आपने ये ख्याल करना है कि पानी बिल्कुल नहीं डालना, ये आलू के साथ ही हमने इसको अच्छे से मिक्स करना। अब ये मिक्स हो चुका है तो हम इसके अंदर हरी मिर्च शामिल करेंगे कटी हुई, और हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो मिक्सर है वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। हम थोड़ा सा आपको हाथ की मदद से भी दिखा देते हैं, ये देखें इस तरह से ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी टिक्कियां से बना लेंगे जैसे चपली कबाब की टिक्कियां होती हैं। अब हम आलू की टिक्कियां बनाते हैं। इस तरह से आपने थोड़ा सा आलू का मटीरियल ले लेना है, राउंड शेप में आपने इसको हार्ड प्रेस करना है, और एक टिक्की की शेप बना लेनी है। जितना टाइट दबाएंगे उतनी अच्छी इसकी शेप बनेगी। अब ये शेप बन गई है, इसको मैं एक ट्रे में निकाल लेती हूँ साइड पर, और इस तरह रख देते हैं। अच्छा जो इसका साइज है वो आपने अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं।
लेकिन अमूमन चपली कबाब जो होते हैं वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं। अब इसी तरीके से मैं सारे जो चपली कबाब है अपने रेडी कर लूंगी। अच्छा जी, जैसे ये बन रहे हैं तो हमने क्या किया है, टमाटर के गोल गोल स्लाइस कट करने हैं और इसके ऊपर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। सिंपल क्या करना है, आपने छुरी पकड़नी है और गोल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने इस तरह कट करना है और दूसरे के ऊपर, और इसको हाथ के साथ साथ प्रेस करते जाना है। ब्रीक स्लाइस, मोटा, ये आपकी अपनी मर्जी है। इस तरह हम इसके ऊपर लगाकर सारे जो चपली कबाब है अपने तैयार कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसी तरह सारे रेडी कर लिए हैं। अब रेडी करने के बाद हम इसको फ्रीजर में रखेंगे, आधे घंटे के लिए, और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो चलिए मैं इसको फ्रीजर में रखने जा रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमने एक तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर अपना ये चटनी को बाग जो है वो तलने के लिए छोड़ दिया। अब इसी तरह मैं साथ एक और डालूंगी। अब 4 मिनट एक साइड पे हल्की आंच पर, 4 मिनट दूसरी साइड पे। आप टाइम कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। अब इसी तरह मैं सारे पकाकर आपको दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारे आलू के चपली कबाब बनकर तैयार हो चुका है। इसे मैंने रायते के साथ सर्व किया है। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। और लास्ट पर आपने इसको घर पे ट्राई करना है और हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको आज की डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।